नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ सुनील त्रिपाठी। आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। बाराबंकी में मॉब लिंचिंग का मामला, नाबालिग युवकों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी जिले में नाबालिग युवकों को पेड़ से बांधकर तालिबानी तरीके से जमकर पीटा गया। मॉब लिंचिंग का यह मामला कोतवाली नगर अंतर्गत खसपरिया से आया है। अभियुक्तों ने सबसे पहले लड़कों को चारों तरफ से रस्सी से जकड़ दिया। हालांकि घटना में वीडियो के आधार पर उसका कुछ अंश सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा, लेकिन इस वीडियो से आकलन किया जा सकता है कि जितने मिनट का वीडियो है उतने मिनट पहले और उसके बीच के टाइम में इन बच्चों के साथ जमकर हैवानियत और तालिबानी हुकूमत की तर्ज पर प्रताड़ित किया गया है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहले आरोपियों ने आओ न देखा न ताओ उन्हें जमकर जकड़ लिया। हाथ और पैर पूरे रस को शरीर से पेड़ से बांध दिया, फिर लात घुसा फावड़े के डंडा, धारदार हथियार यानी जो भी कुछ मिला उनसे ही उन पर हमला किया गया। लोग बताते हैं कि इन लड़कों के साथ अभियुक्तों की तालिबानी कार्यशैली एक घंटे तक चलती रही। महज इस एक घंटे की तालिबानी कार्यशैली से पिटाई, दबंगाई और ऐसा नंगा नाच चलता रहा कि कुछ बचाव करने वालों को भी अभियुक्तों द्वारा उनकी पिटाई की गई। चर्चा है कि अभियुक्तों ने पिटाई के बाद दहशत फैलाकर अपने रसूख को कायम रखने के लिए ये किया है। वहीं जिसमें पीड़ित के परिजनों में दहशत का माहौल व्याप्त है, जिसे लेकर लोग घटना को लेकर बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार दबंगों द्वारा अपनी दबंगाई को कायम करने के लिए कुछ ज्यादा ही रुचि दिखाई। थाना कोतवाली नगर अंतर्गत खसपरिया गांव में दबंगई का मामला यह सामने आया है, जहां दो नाबालिग लड़कों को पेड़ से बांधकर इस कदर पीटा गया, देखने वाले सन रह गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने खसपरिया के त्रिलोकी पुत्र झगड़ो, सोनी पुत्र पूर्णमासी तथा सूरज पुत्र त्रिलोकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल होने के बाद क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नूरपुर निवासी पीड़ित मजबुल्ला ने बताया कि दोपहर सोमवार तकरीबन 2:30 बजे उसका पुत्र शकील वारसी तथा भतीजा शादान खसपरिया गांव के एक बाग में चारा लेने गए थे। इसी बात को लेकर वहां पर मौजूद आरोपियों ने उनके पुत्र और भतीजे को पेड़ से बांधकर लात घूसा तथा धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह से घायल किया है। यही नहीं बल्कि आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए उसके वीडियो को भी बनाया। वहीं स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से इन नाबालिग बच्चों की पिटाई की गई है वह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। किसी तालिबानी की तर्ज पर या मॉब लिंचिंग का मामला अब जिले में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस वीडियो की डीएस न्यूज समाचार पुष्टि नहीं करता है। ये थी हमारे डीएस न्यूज के लिए स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट।